राष्ट्रीय सेविका समिति के तत्वधान में आज DCS के PG कॉलेज में एक जागरूकता अभियान चलाया गया। राष्ट्र चिंतन, राष्ट्र निर्माण एवं दीनदयाल उपाध्याय की आर्थिक एवं राजनीतिक चिंतन नामक इस संगोष्ठी में अखिल भारतीय अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा के रूप में राष्ट्रीय सेविका संघ पूरे भारतवर्ष में काम करता है। वहीं जनपद मऊ में स्थित राष्ट्रीय सेविका समिति के तत्वधान में इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। दीदी सीता प्रचारिका, अखिल भारत सह संपर्क प्रमुख, चेन्नई से आई हूँ। अच्छा। 1989 से समिति में जुड़ी हूँ जी। 1994 से मैं प्रचारिका हूँ जी। अभी इस पूरा भारत में मैं प्रवास करती हूँ। मैडम आज यहाँ किस जी, इन सबसे मिल के हमको यहाँ मऊ में थोड़ा सा अच्छा काम शुरू करना है। अच्छा। ऐसा सोचकर हम इधर आए हैं। Okay. बहुत सारा अच्छे लोग आए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग भी आए हैं। उन सबका मन में भी समिति का काम और इस देश के ऊपर अपना गौरव क्या है, वो सब थोड़ा सा उनके साथ हम शेयर करने के लिए। मैडम अपना परिचय दे दें। मैं शशि, राष्ट्र सेविका समिति पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की क्षेत्र प्रचारिका, केंद्र लखनऊ। अच्छा, यहाँ कैसा कार्यक्रम आज हो रहा है, क्या है? आज यहाँ राष्ट्र सेविका समिति के द्वारा नगर में अन्य अन्य क्षेत्रों में सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत बहनों के साथ एकत्रित आके राष्ट्र सेविका समिति देश भर में समाज में क्या कार्य करती है उसकी जानकारी, और उसी श्रृंखला में हम अपने मऊ में जो मातृशक्तियाँ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं उन सब का योगदान इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए। दूसरी तरफ आज जनपद मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना थाने में 8 सातुर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। लुटेरों के कब्जे से जहां अवैध तमंचा जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, वहीं इन शातिर गिरोहों से आए दिन लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती थी। पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं दूसरी तरफ शारदानंद हॉस्पिटल ने आज निःशुल्क जांच शिविर आयोजित किया था। आपको बता दें, शारदानंद वेलफेयर लगातार अपने सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है। शिविर लगाया था, हेल्थ शिविर शारदानंद हॉस्पिटल द्वारा लगाया गया था, जिसमें कि करीब 350 मरीजों को हम लोगों ने देखा है। हमारे डॉक्टर, जिसमें सारे विभाग के डॉक्टर आए थे, हमारे न्यूरो के डॉक्टर रुपेश सिंह, आर्थोपेडिक से सीनियर आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर राहुल कुमार, हमारे ICU और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत सिंह, और मैं स्वयं डॉक्टर संजय सिंह जो हृदय रोग विशेषज्ञ, यहाँ पे हम लोगों ने तमाम मरीजों को देखा। और बहुत ही ज़रूरतमंद मरीज थे, इसमें बहुत से लोगों का शुगर बढ़ा हुआ था, किसी का 400 शुगर था, बहुत से लोग ऐसे थे जिनको जानकारी नहीं थी, तो उनको दवा भी वितरित किया गया। और जो इतना शानदार कैंप कराया है अजय जायसवाल जी, जो समाज में गरीबों के लिए, यहाँ इसके पहले भी शारदानंद हॉस्पिटल में मुफ्त ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चला। चलिए वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर आ रही है, जहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण कार्यक्रम चलाया गया। ग्राम गोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन ट्रस्ट में यह मुफ्त लैपटॉप और मोबाइल का वितरण किया गया है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीक से जोड़कर उनके भविष्यगत चीज़ों को बहुत बड़े स्तर पर, दुनिया के स्तर पर ले जाने का जो काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, उस पर हम आज सहयोगी बने। में एक बड़ी खबर, मऊ में यातायात विभाग एवं ट्रैफिक विभाग के संयुक्त अभियान के तहत आज जागरूकता अभियान चलाया गया था। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को देखते हुए यातायात एवं ट्रैफिक विभाग द्वारा बच्चों की रैली निकाली गई थी। वहीं इस बीच पुलिस विभाग ने भी अपनी रैली निकालकर लोगों को सुरक्षित ड्राइव और यात्रा करने की एहतियात और जानकारी दी गई है। जिसके तहत छात्रों की रैली निकाली, ये रैली हमने सुनी था आई टी कॉलेज से शुरू की है और आजमगढ़ रोड से जाके खत्म हुई, तो वहाँ से बच्चे लोग वापस आए और पुलिस परिसर में इसका समापन किया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के ARM मऊ ने ब्रीथ एनालाइजर से अपने ड्राइवरों के सांस का परीक्षण लिया, जिसमें नशे के विरोध में यह परीक्षण किया गया था। अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो उस पर बड़ी कार्रवाई होगी।